फ्रेंड्स, आपका सपना क्राफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नीटिंग स्टिचेस की डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद मैं बड़ा बेसिक से प्रोजेक्ट से शुरू करूंगी, तो आज मैं लेके आई हूँ 5 से 6 साल के बच्चे के लिए स्कार्फ या मफलर। उसके लिए मैंने वर्ड भान की 4 ply की नीटिंग यार्न और ये पोनी की 9 number की मैंने नीडल्स ली हैं, और मैंने ये 42 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 42 फंदे मैंने डाले हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ये टेल थोड़ी लंबी भी रखी है। इस टेल का मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी मफलर बुनने के बाद। तो इसमें हमने, जैसे मैंने बोला आपको कि 42 फंदे डाले हैं और मैंने 2 rows कंप्लीट बुन भी दी हैं, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि निट रिबिंग में मैं बुन रही हूँ, निट 1 पर्ल 1 की एक सीधा बुनेंगे एक उल्टा फंदा बुनेंगे रिबिंग में। ये बहुत बेसिक सी स्टिच है, तो इसमें हमने आपको मैंने बताया था कि जैसे कैसे देखेंगे कि कौन सा स्टिच निट करना है और कौन सा पर्ल करना है। तो ये वी वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है, और ये लूप वाला या बम्पी फंदा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। तो ये वी वाला है, इसको हम सीधा बुनेंगे। पर स्कार्फ में हम क्या करते हैं, जो पहला फंदा होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्वेज स्टिच। तो जो पहला फंदा होता है इसको राइट हैंड वाली नीडल में उतारते ऐसे हैं जैसे हम इसको सीधा बुनने लगे हैं, पर बिना बुने ही हम राइट वाली नीडल पे ले आते हैं और फिर आगे वैसे ही हम प्रोसीड करते हैं जैसे हम निट 1 और पर्ल 1 में करते हैं। इसमें जो पहला फंदा है ये इसलिए हम बिना बुने उतारते हैं कि जो मफलर की एजिंग है, जो साइड्स हैं मफलर की, जो किनारे हैं मफलर के, ये हमें इवन चाहिए और नीट देखने में होने चाहिए। क्योंकि जब हम स्वेटर में बुनते हैं कोई, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो सेल्वेज स्टिच है कोई बुन देता है, कोई बिना बुने उतारता है, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं उसमें। क्योंकि हमने जो है सिलाई से हम फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ते हैं तो वो छुप जाता है सेल्वेज स्टिच, परंतु जब हम कोई मफलर ऐसी चीज़ बुनते हैं जिसमें हमें सिलाई नहीं करनी है तो जो सेल्वेज स्टिच है वो साइड में दिखता है, तो वो नीट और इवन होना चाहिए एजेस उसके, साइड्स उसकी जो है, तो इसलिए उसको हम इवन लाने के लिए उसको बिना बुने उतारते हैं। तो ये जैसे पहला फंदा सीधा था तो मैंने ऐसे उतारा जैसे कि मैं इसको सीधा बुनने जा रही हूँ, पर बिना बुने मैं उतार देती हूँ उसको। अगर वो उल्टा फंदा है, पर्ल वाला स्टिच है, तो उसको पर्ल वाइज ऐसे उतारेंगे जैसे हम उल्टा बुनने जा रहे हैं, पर उल्टा बुनेंगे नहीं उसको, तो उसको बोलते हैं कि पर्ल वाइज बिना निट किए हुए उतारते हैं, उतारना फंदे को। तो इस तरह ये जब एजेस जो है वो स्मूथ आएंगे और इवन आएंगे तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। तो ये फ्रेंड मेरी ये रो कम्प्लीट हो गई है। अभी मैं दिखाती हूँ कि उस रो को जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो वो सीधा फंदा था, अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये उल्टा फंदा है, बम्पी स्टिच है। तो बड़े ध्यान से देखिए, मैं ऐसे नीडल को डाल रही हूँ जैसे मैं उल्टा इसको बुनने लगी हूँ, पर मैं इसको बुनूंगी नहीं और पर्ल वाइज इसको मैं उतार दूंगी। ये ऐसे पर्ल वाइज मैंने उतार दिया और मैंने आगे वैसे ही प्रोसीड करना है। तो देखिए ये पर्ल हो गया, अब आगे करेंगे निट, पर्ल निट पर्ल। बहुत बेसिक स्टिच है और बड़ी आसान चीज़ है, इसमें फंदे ना बढ़ाने का चक्कर है ना घटाने का चक्कर है, बस आपने एक बार कोई जैसे फंदे डाले तो उसको सीधा एक सीधा एक उल्टा रिबिंग में बुनते जाना है जब तक कि आप एक डिज़ायर्ड लेंथ तक नहीं पहुंच पाते। तो ये मैं 5-6 साल के बच्चे के लिए मफलर बुन रही हूँ, तो इसमें मैंने 42 फंदे डाले हैं और लेंथ में जो है वो भी मैं 40-41 तक ही रखूँगी, इससे ज़्यादा मैं इसकी लेंथ नहीं रखूँगी। तो जब आपकी लेंथ 41 हो जाएगी आपने सीधे बुनते जाना है, और जब आपकी लेंथ 41 तक पहुँच जाएगी तो आपने स्टिचेस को कास्ट ऑफ कर देना है, फंदों को बंद कर देना है।
मैं साथ साथ में इंग्लिश एब्रीवेशंस भी यूज़ करती रहती हूँ, जैसे मैंने आपको सैल्वेज स्टिच के बारे में बताया, ताकि जो हमारे निटर्स हैं उनको इंग्लिश में भी पता रहे और हिंदी में भी पता रहे। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो निटिंग में बड़ी ही पारंगत हैं लेकिन इंग्लिश के एब्रीवेशंस का उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं उनको प्रॉब्लम को उनकी को सॉल्व करने के लिए मैं साथ साथ में दोनों एब्रीवेशन साइड बाय साइड यूज़ करती हूँ, ताकि उनको दिक्कत ना हो और वो भी सीख जाए कि निट पर या कोई भी इंग्लिश की एब्रीवेशन है वो किस लिए यूज़ होती है। फिर उनको जब भी कभी कहीं बुक से उतारना हो पैटर्न तो उनको कोई मुश्किल ना हो। तो ये देखिए अब नेक्स्ट रो ये है निट वाला स्टिच, तो मैं ये बिना बुने सिर्फ से उतारूँगी। मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं इसको बुनने जा रही हूँ, जैसे मैंने नीडल उसी पोजीशन में डाली है बाहर की तरफ को, पर मैं बिना बुने ही स्टिच को राइट हैंड वाली नीडल पे उतार लूँगी और बाकी का मैं वैसे ही प्रोसीड करती जाऊँगी। देखिए कुछ नहीं है, बड़ा ही बेसिक स्टिच है, बड़ी बेसिक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ। बच्चे के लिए मफलर है, 5-6 साल के बच्चे के लिए मफलर है। इसमें मैंने 42 फंदे डाले हैं और जब इसकी लेंथ 40-41 तक पहुंच जाए तो आप जो है फंदे बंद कर देंगे और इसमें बढ़ाने फंदे बढ़ाने घटाने का कोई चक्कर नहीं है। जो बड़े एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं वो मोटी वूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोटी वूल में जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी बढ़ता है और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बोला था, फिर जैसे जैसे आपको कम्फर्टेबल लगता जाएगा तो आप यार्न जो है वो अपने चेंज कर सकते हैं। और आप जो है जब बनाएंगे कोई चीज़ अपने किसी जो आपका बहुत क्लोज है और बहुत प्यारा है आपके लिए, उसके लिए जब आप कोई चीज़ निट करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। आप अपनी इमोशंस को साथ में निट करेंगे तो उन इमोशंस की जो वार्मथ है, जो प्यार का आपका एहसास है, वो पहनने वाले तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको बहुत ही खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अपनों के लिए कुछ ना कुछ करें। तो इस तरह ये मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। बस इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, सैल्वेज स्टिच जिसको बोलते हैं, पहला फंदा जो है वो हमने बिना बुने उतारना है। अगर वो उल्टा फंदा है तो वो ऐसे बिना उल्टा नीडल डाल के ऐसे बिना बुने उतार देना है। अगर सीधा है तो वो ऐसे उतारना है जैसे हम उसको सीधा बुनने जा रहे हैं, पर बुनेंगे नहीं, बस ऐसे ही हम प्रोसीड करते जाएंगे और ये हमारा मफलर जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर से मैं कह रही हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ना आपको ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ है ये कि इसमें इतना बढ़ाना है, इतनी लेंथ के बाद ऐसे बढ़ाना है, ऐसे घटाना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने आपकी जो बिगनर्स हैं उनकी ध्यान उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि उनको कोई दिक्कत ना आए और उनको कोई मुश्किल ना आए और थोड़ा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आसान से प्रोजेक्ट को बना के थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए मैंने ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक स्टिच जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो ऐसे ऐसे बुनते बुनते हमारी जब लेंथ एक डिज़ायर्ड पहुँच जाएगी तो उसको हम कास्ट ऑफ कर देंगे, फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए ये मैंने एक और रो जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये निट वन पर्ल वन है। आप कोई और भी बाद में जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप मॉस स्टिच में भी बना सकते हैं, अपने किसी भी उसमें बना सकते हैं, मर्जी के स्टिच में इजी भी, आप गार्टर स्टिच में भी बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चॉइस जो है वो टोटली आपकी है। मैंने जो है वो रिबिंग से स्टार्ट किया है। ये देखिए ये और एक को बन गई और जब बनते बनाते बनाते बढ़ते बढ़ते जो है वो ऐसा दिखेगा। देख कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बुनना है, कुछ आपको घटाना बढ़ाना कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब एक डिज़ायर्ड लेंथ हो जाएगी आपके स्कार्फ की तो आपने फिर ये ऐसे कास्ट ऑफ कर देना है, ऐसे जैसे मैंने ये कास्ट ऑफ कर दिए है। अब मैं इससे आगे आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको हम स्कार्फ को इंटरेस्टिंग बना, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर ये है कि थोड़ा बच्चे के लिए है तो थोड़ा इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं।
तो इसके इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसके जो ये दो एंड्स हैं इस पे, इनमें मैं ये पॉम पॉम लगाने वाली हूँ। एक मैंने लगा के रखा है और दूसरी साइड मैं आपको बताऊँगी कि कैसे लगाते हैं ये पॉम पॉम। ये मैंने बना के रखा है पॉम पॉम। मैं आपको अपनी किसी अगली आने वाली वीडियो में कभी मैं आपको पॉम पॉम बनाना भी सिखा दूँगी। तो देखिए ये पॉम पॉम कैसे इसमें लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये जब मैंने कास्ट ऑफ किया था तो उसके लिए भी मैंने टेल जो थी वो लंबी रखी थी, और मैंने ये जो सुई है स्वेटर सिलने वाली, इसको इंग्लिश में टेपेस्ट्री नीडल भी बोलते हैं, इसमें इसको मैंने यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हाफ इंच के गैप पे इसको थ्रेड को हम वीव कर देंगे, फिरो देंगे इसको ऐसे। ये देखिए हाफ सेंटीमीटर के उस पर अप्रॉक्सीमेटली, कोई ऐसा नहीं है कि नाप के आपको करना है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे जैसे आप रनिंग स्टिच करते हैं जिसको हम बोलते हैं कच्चा करते हैं, वैसे करना है। ये दूसरे एक एंड से दूसरे एंड तक ये हम कच्चा करते जाएंगे। ये रनिंग स्टिच से ये कर दिया, इसीलिए जो थी मैंने उसमें भी जो आपको मैंने सैंपल बुन के दिखा रही थी, जो मैंने कास्ट ऑन किए थे या फंदे डाले थे तो मैंने टेल लंबी रखी थी, वो इसी पर्पस के लिए था कि ये जो मैंने पॉम पॉम लगाना है इसके लिए। अब ये गैदर से डालने हैं, यहाँ पे चुनटें डाल देनी है, ये जो एज है अब इसको हम खींचेंगे तो ये चुनटें डल जाएंगी ऐसे। तो ये देखिए ऐसे ये इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब इसी थ्रेड से हम दो तीन बार फिर से फिरो देंगे ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए ना, ताकि टूटे ना और फिर ये खुले ना। तो इसको हम फिर से ऐसे करके फिर से इसको ऐसे फिरोएंगे, जहाँ जहाँ आपकी नीडल जाती है आप वहाँ से उठाते जाइए और फिरोते जाइए। ये ऐसे ये फिरो दिया, फिर हम दो तीन बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि और ये सिक्योर हो जाए, आपका पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। ये हम ऐसे फिर होते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारा ये एक बार मैं फिर से डाल देती हूँ थोड़ा और। अब ये गैदर से पड़ गए हैं और ये पक्का हो गया है। अब इसमें मैं ये देखिए अब ये ऐसे गैदर से पड़ गए हैं और ये इकट्ठा सा हो गया है। अब देखने में ऐसे अगर लेंगे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो मैंने पॉम पॉम बनाया है ये मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी, जोड़ दूंगी सुई के साथ ही, और ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को अट्रैक्ट भी करेगा। तो ये इसकी जो मैंने टेल है ये पॉम पॉम की, इसमें मैंने ऑलरेडी ये टेपेस्ट्री नीडल में पिरो के रखा है इसको। अब मैं इससे इसमें स्टिच करने जा रही हूँ। फिर ये जो ऊपर से ये इकट्ठा हुआ पोर्शन है ये भी पॉम पॉम से हमारा ढक जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे कर दिया। मैं आपको किसी वीडियो में पॉम पॉम बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। आज मैं मेरा मेन वो जो फोकस था वो स्कार्फ के ऊपर था, मफलर के ऊपर था। ये देखिए ये हमारा दो तीन बार मैं फिर से इसके पॉम पॉम के बीच से थोड़ा सी निकाल के इसको, बस वही है पक्का करना है। हाँ मतलब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनटाइडी आपका ना लगे, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अटैच करते हैं इसको, ऐसे अटैच कर दिया। ये देखिए अब अच्छे से ये सिक्योर हो गया है।
एक बार नीचे ला के, या अब आपका कभी नहीं हिलेगा, इतनी अच्छी तरह मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। आप चाहें तो अब जो इसके एंड हैं वो भी पॉम पॉम के जो ये हैं इनकी इनकी लेंथ में काट लें, और ये आपका ये सिक्योर हो गया, ये पॉम पॉम अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्कार्फ बन के तैयार हो गया है, ये कंप्लीट बन गया है। ये देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, और कितनी अट्रैक्टिव है, और बच्चे जो हैं वो श्योरली बहुत लाइक करेंगे इसको, और बनाने में भी बहुत आसान है। और आपको बना के आप जब अपने किसी प्यारे को पहनाएंगे और उसको पहने हुए देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और मुझे पसंद है, सॉरी मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप बुनें और किसी अपने अपनों को पहनाएं, और इससे आगे हम फिर आगे कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहें, और हम ऐसे ही नई नई चीज़ों के साथ आपके सामने आते रहें। थैंक यू वेरी मच।